मेरी नजर अरशद कमर को देख रही थी। अरशद कमर इस वक्त हिंदुस्तान भर का सफर कर रहा है, बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत जज्बात में अरशद कमर से गुजारिश कर रहा हूं कि अपने हिस्से की वो भी दादो तहसील ले जाए। माइक पर आने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाए, गजल का खूबसूरत लहजा, गजल की खूबसूरत जबान। डाइस पर तशरीफ फरमा तमामी सीनियर शुरा इकराम और अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाजरीन गिरामी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम शेख अशाद आजमी उर्फ मुन्ना भाई का, जिनकी बदौलत आज आपका छोटा भाई, आपका बेटा अरशद कमर आजमी आपसे मुलाकात का शरफ हासिल कर रहा है। आइए हाजरीन गिरामी, आज की ये शाम बयाद शेख शाहिद आजमी के नाम, मैं यहाँ से एक मतला दो तीन शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ। मुन्ना भाई पेश करता हूँ बात फरमाए कि कुछ टूटे फूटे ख्वाब ही आंखों में डाल दे, कि कुछ टूटे फूटे ख्वाब ही आंखों में डाल दे, कुछ टूटे फूटे ख्वाब ही आंखों में डाल दे, कुछ टूटे फूटे ख्वाब ही आंखों में डाल दे, आंखों में डाल दे, आंखों में डाल दे। खामोश झील में कोई पत्थर उछाल दे, खामोश झील में कोई पत्थर उछाल दे। और हाजरीन, ये भी शेर पेश करता हूँ बतौर खास मेरे मोहतरम अलीम खान साहब और जमाल भाई तशरीफ रखते, पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाए कि शर्मा गया है चांद ही जब देख कर तुम्हें, कि शर्मा गया है चांद ही जब देख कर तुम्हें, शर्मा गया है चांद ही जब देख कर तुम्हें, जब देख कर तुम्हें, जब देख कर तुम्हें। अरे फिर हुस्न की तुम्हारे कोई क्या मिसाल दे, फिर हुस्न की तुम्हारे कोई क्या मिसाल दे। हाजरीन मोहतरम मुन्ना आजमी साहब की मुस्कुराहट, चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि टूटी हुई कश्ती को किनारे भी मिले हैं, टूटी हुई कश्ती को किनारे भी मिले हैं, और तूफान से दुनिया को सहारे भी मिले हैं, और दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं। मैं शेर पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाए। बहुत अच्छे साहब, वाह वाह वाह। कि आपसे बिछड़े हुए हम को जमाने हो गए, हमको जमाने हो गए, आपसे बिछड़े हुए आपसे बिछड़े हुए हम को जमाने हो गए, इसलिए माजी के हर की से पुराने हो गए, किसे पुराने हो गए। और मोहब्बत में, मोहब्बत में अक्सर बेशतर ऐसा होता है। मैं शेर पेश करता हूँ आलम निजामी साहब, आपकी तवज्जो का तालिब पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाए कि एक तुमको, शकील भाई कहाँ है बतौर खास समाज फरमाए कि एक तुमको चाहने का मिल रहा है ये सिला, मिल रहा है ये सिला, एक तुमको चाहने का मिल रहा है ये सिला, अब मुखालिफ मेरे अपने ही घराने हो गए, ही घराने हो गए। इकबाल मलिक साहब तशरीफ ला रहे हैं,
अब मुर्दों तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। मेहमान मुअज्जम का इकबाल मलिक साहब का बहुत बहुत हम आभारी और शुक्रगुजार है कि इस एक शाम अबू शाहिद आदमी साहब के नाम से मंसूब मरहूम को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और नवाब मलिक साहब जो इस वक्त पूरे दुनिया में हमारे उसूल बिलाद मुंबई की तर्जुमानी कर रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक और ये चैनल वाले इस बात का सबूत है। तर्जुमान एनसीपी पार्टी नवाब मलिक साहब के बरादर मोहतर में आता तशरीफ ला रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आशा दिल्ली मुन्ना साहब से गुजारिश करूंगा कि सबा मुबारक पूरी साहब और हमारे बहुत सारे मोजीन आपका खैर मकदम करते हुए। आइए सर, जहाँ तक रोशनी मालूम होती है ये कौमी यकजहती की रोशनी, ये मोहब्बतों की रोशनी, ये उर्दू जबान की रोशनी और एक मुजाहिदे उम्मत मोहतरम शाहिद आदमी को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आइए हम और आप समाप्त करते हैं। अरशद कमर साहब माइक पर। जी जी पढ़ लीजिएगा एक शेर पढ़ के मैं जगा लेता हूँ अपनी। जी जी सर पढ़िए। अरशद कमर साहब तेरा ऐसा ही है बेनजीरो बेमिसाल बेनजीरो बेमिसाल हुस्न तेरा ऐसा ही है हुस्न तेरा ऐसा ही है बेनजीरो बेमिसाल हुस्न का दुनिया में तेरे किसी जगह चर्चा नहीं किसी जगह चर्चा नहीं। और अलीम खान साहब पेश करता हूँ आपकी नजरिए शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि आप समझाए न मुझको मुन्ना भाई कि आप समझाए न मुझको क्यों किए अरशद कमर अरशद कमर आप समझाए न मुझको क्यों किए अरशद कमर क्यों किए अरशद कमर मैं तो हूँ सब कुछ समझता मैं कोई बच्चा नहीं मैं कोई बच्चा नहीं मैं कोई बच्चा नहीं। अस्सलाम वालेकुम।